शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस, अंतरक्षेपण। इंटरफेयर मत कर मेरे काम में बोलते हैं ना, ठीक है, वही है अंतरक्षेपण, ठीक है, बाधा डालना। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस इसके बारे में बात करेंगे। असल में ये टॉपिक कहाँ से शुरुआत हुआ है ध्यान समझना, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग पढ़ रहे थे किसमें, प्लांट में, ठीक है ना, क्रॉप्स में, फसल उत्पादन में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जिसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस कैसे बनाते थे, जो डेफोडिल प्लांट रहता था उससे बीटा कैरोटीन जीन को अलग करते थे, टीआई प्लाज्मिड में उसको क्या करते थे, जोड़ देते थे, और ओराइजा सटाइवा के अंदर क्या कर देते थे, एंट्री करा देते थे, क्लियर है। तो जो हमारा चावल रहता था उस चावल में किसका मात्रा बढ़ जाता था, विटामिन ए का, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते थे, बायो फोर्टिफिकेशन, जैव प्रबलीकरण या जैव पुष्टिकरण। यहाँ तक क्लियर है, ये वाला टॉपिक हो गया था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, आपका बीटी कपास के बारे में। किसके बारे में, बीटी कपास के बारे में। बीटी कपास के बारे में क्या बात कर रहे थे, जैसे कपास का पौधा रहता है, कपास से कपड़ों का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान समझना, 3 प्रकार का कीड़ों का वंश होता है, कोलियोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन और क्या है, डिप्टेरा वंश, ठीक है ना। तो ये सभी क्या करते थे, आपका कपास के पौधों को खा देते थे, उसके समझ आ रहे ना, कोकून जो रहता है उस कोकून को क्या करते थे, नष्ट करते थे। तो उसके लिए क्या होता था, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जो होता था, ध्यान देना, हाँ, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस नामक जो बैक्टीरिया रहता था, उस बैक्टीरिया का जो स्पोर रहता था उसको घोलते थे, और उसको घोल करके क्या करते थे, छिड़काव करते थे। तो जो कीड़ा रहता था, कीड़ा आता था उस फसल को खाने का कोशिश करता था, पत्तियों को खाता था, वो बीटी जो रहता था, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया, उसके कहाँ चले जाता था, आंत में। आंत में माध्यम कैसा रहता था, क्षारीय। और ये जो तुम्हारा, ध्यान से समझना, बीटी रहता था वो एक प्रोटीन का निर्माण करता था जिसका नाम था क्राई प्रोटीन। क्या नाम था, क्राई प्रोटीन, जो कि इनएक्टिव रहता था, ठीक है। जैसे ही वो क्षारीय माध्यम में जाता था क्या हो जाता था, एक्टिव, और आंत में क्या कर देता था, छेद, और कीड़ा, सॉरी, हाँ, तो जो कीड़ा रहता था वो क्या हो जाता था, तड़प तड़प करके मर जाता था। हम लोग इसी का यूज़ किए, हम लोग क्या किए, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकेंड ए बी, और क्राई ए सी, ठीक है, क्राई फर्स्ट ए सी, इन तीनों जीन को लिए। इन जीन को लेकर के हम लोग क्या किए, ध्यान समझना, टी आई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिए और एंट्री करा दिए किसके अंदर, कॉटन के प्लांट के अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर। अब ये जो कॉटन प्लांट है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला बन गया, ठीक है। अब जाकर के यदि कीड़ा आता है, कीड़ा यदि उस प्लांट के कोई भी पौधे पत्ते को खाएगा तो कीड़ा तुरंत क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पहले छिड़काव करते थे बाहर से, लेकिन अब क्या किए, उसको पौधे के अंदर ही क्षमता ला दी, इस पौधे को जैसे ही खाएगा वो कीड़ा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसी तरीके से बीटी कॉटन का निर्माण किया गया, बीटी पोटैटो का निर्माण किया गया, बीटी टोमेटो का निर्माण किया गया। लेकिन याद रखना है, हम लोगों को ऐसे पौधे का निर्माण करना है, ऐसे जीएमओ का निर्माण करना है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे फूड चेन में शामिल ना हो। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। आज हम लोग फसल सुरक्षा में ही बात करेंगे कि फसलों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाता है। देखो, निमेटोड होता है ना, एक निमेटोड किसको बोलते हैं, गोल कृमि को, किसको बोलते हैं, गोल कृमि को। ये जो निमेटोड रहता है, ठीक है ना, ये जंतु को और पादप को, ठीक है ना, दोनों में क्या उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। हम लोग मेनली देख रहे हैं किसके बारे में, पादप के बारे में। तो पादपों में एक वंश है सोलेनसी, सोलेनसी कुल पढ़े हो ना, ठीक है ना, सोलेनसी जो कुल के पादप है, खासकर इसमें भी कौन, तंबाकू। तंबाकू पौधा का जो जड़ रहता है, तंबाकू पौधा का जो जड़ रहता है, इसको जड़ को कौन खाता है, एक निमेटोड, ठीक है ना, इसमें इन्फेक्शन कर देता है। तो तंबाकू का जो उत्पादन है वो क्या हो जाता है, कम। तंबाकू का उत्पादन क्या हो जाता है, कम, और इसको इससे सरकार को बहुत ज़्यादा हानि होता है, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा कितना भी टैक्स लगा लो तंबाकू के ऊपर, आदमी खरीदता ही है, नशा वाला चीज़ है ये, क्लियर है कि नहीं। जितना भी आपका, ध्यान समझना, जितना भी आपका मादक पदार्थ है उनमें किसका अंश होता है, तंबाकू का, क्लियर है। तो सरकार को लॉस हो रहा था इस निमेटोड के कारण। अच्छा, इस निमेटोड का नाम क्या है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, अजीब नाम है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, क्या नाम याद रखना है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, क्लियर है। ये सोलेनसी वंश के पौधे के जड़ों में रहता है, और जड़ में क्या उत्पन्न कर देता है, रोग उत्पन्न कर देता है, क्या उत्पन्न कर देता है, रोग।
जिसके कारण तंबाकू का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। अब ध्यान से समझना, तुम तो ऐसा नहीं है कि जड़ के अंदर छिड़काव कर सकते हो, स्पीयर मार सकते हो, ऐसा कहानी है क्या? नहीं। समझ आ रहा है? तो हम लोग कैसे इसका उपचार करें? तो इसके लिए एक टेक्निक खोजा गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेपण। क्या खोजा गया? आरएनए अंतरक्षेपण। किसके बारे में बताया गया? आरएनए अंतरक्षेपण। आरएनए अंतरक्षेपण क्या होता है, ध्यान समझना, यूकेरियोटिक जो जीव रहते हैं ना, यूकेरियोटिक जीव में रक्षा की विधि, आप कॉन्सेप्ट समझो फिर इसका कैसे उपयोग किए हैं उसको समझेंगे। क्लियर है? यूकेरियोटिक जीवों में ये क्या है, रक्षा का विधि है। क्या? आरएनए अंतरक्षेपण। आरएनए अंतरक्षेपण होता क्या है, ध्यान समझने का कोशिश करो, ध्यान देना। असल में क्या होता है, ध्यान दो, ये हमारा मान लो, ध्यान समझने का कोशिश करना ना, ये मान लो हमारा एक सेल है, हमारे शरीर का क्या है, कोशिका है, यूकेरियोटिक सेल है ये। इस यूकेरियोटिक सेल के ऊपर कौन आकर के अटैक किया? बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक किया। कौन अटैक किया? बैक्टीरियोफेज वायरस। वायरस के पास क्या होता है, मान लो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड क्या है, आरएनए। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वायरस जैसे ही अटैक करेगा तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हमारे बॉडी में, ध्यान समझना, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन रहता है, रिस्क प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रहता है? रिस्क प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रहता है? रिस्क प्रोटीन। ये रिस्क प्रोटीन जो रहता है ना, जैसे ही देखता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसके ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। उसके ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। यहाँ तक क्लियर है? और चिपक करके, ध्यान से समझना, चिपक करके क्या कर देता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड रहता है उसको कट कर देता है। ऐसे क्या कर देता है, कट। क्या कर देता है, कट। केवल एक स्ट्रैंड को इसको रहने देता है और एक स्ट्रैंड को क्या कर देता है, कट कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यदि इसका, ध्यान समझना, आरएनए को कट कर दिया तो क्या ये प्रोटीन का निर्माण कर पाएगा क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो, कोई भी, ध्यान से समझना ना, समझने का कोशिश करना ठीक। कोई भी डबल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए है, इसमें एक होता है सेंस स्ट्रैंड, एक होता है सेंस स्ट्रैंड और एक होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्लियर ना? सेंस जो प्रोटीन बनाता है, एंटी सेंस जो प्रोटीन नहीं बनाता है। क्लियर है? अरे डीएनए क्या बनता है, आरएनए, आरएनए क्या बनता है, प्रोटीन। तो मैं आरएनए ही एंट्री करवा रहा हूँ ना, तो डबल स्ट्रैंड है, तो एक जो स्ट्रैंड है वो क्या बनाता होगा, प्रोटीन बनाता होगा, और एक नहीं बनाता होगा। तो असल में जैसे ही यूकेरियोटिक जीव के शरीर के अंदर में ये रिस्क प्रोटीन क्या होता है, जाता है। जैसे ही रिस्क प्रोटीन जाता है, ध्यान देना, रिस्क प्रोटीन, सॉरी, आरएनए जैसे इसके अंदर में जाएगा तो ये रिस्क प्रोटीन आकर के जुड़ जाता है किससे, सेंस स्ट्रैंड से। किससे आकर जुड़ जाता है, सेंस स्ट्रैंड से। किससे जुड़ गया, सेंस स्ट्रैंड से, और सेंस स्ट्रैंड को क्या कर देता है, टुकड़े टुकड़े काट देता है। ऐसा सेंस स्ट्रैंड को क्या कर देता है, टुकड़े टुकड़े काट देता है। यहाँ पास क्या बचा होगा, एंटी सेंस। बस एंटी सेंस का कोई मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है क्या? नहीं। समझ आ रहा है नहीं? तो हमारे कोशिका का रक्षा हो गया, वायरस जो प्रोटीन बनाता है वो हमारे कोशिका में नहीं बना पाया। इस प्रोटीन का, रिस्क प्रोटीन का पूरा नाम बताऊं क्या, ठीक है ना, रिस्क प्रोटीन का पूरा नाम है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। RISC, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। समझ आया कि नहीं? तो आरएनए के कार्य में हम लोग क्या किए, इंटरफेयर किए। क्या किए, इंटरफेयर किए। इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, ये कौन सा स्ट्रैंड कटा हुआ है यहाँ पास का, सेंस स्ट्रैंड कट हो गया है ना, सेंस वाला क्या हो गया, कट हो गया। सिद्धांत समझ आया सबको कैसे होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। कोई भी यूकेरियोटिक जीव है उसके ऊपर जब कौन अटैक करता है, वायरस। वायरस अपने किसको भेजता है, जेनेटिक मटेरियल को। वायरस में दो ही चीज़ रहता है, एक तो जेनेटिक मटेरियल और दूसरा रहता है प्रोटीन, दो चीज़ से मिलकर बना रहता है वायरस। तो डबल स्ट्रैंडेड जैसे ही आरएनए के अंदर जाता है तो एक स्ट्रैंड तो रहता है सेंस जो प्रोटीन का निर्माण करता,
और प्रोटीन का निर्माण होता तभी तो इसमें क्या होता, बीमारी होता। और एक होता है एंटीसेंस रेजिस्टेंट। तो हमारे शरीर में अंदर में यूकेरियोटिक सेल के अंदर में एक प्रोटीन रहता है, रिस्क का प्रोटीन, वो फट से जान डालता है ये वाला सेंस है और ये एंटीसेंस। तो सेंस को क्या कर देता है, कट कर देता है। सेंस को कट कर दिया तो ये अपना प्रभाव दिखा पाएगा क्या? नहीं। मतलब ये वायरस गोली तो भेजा लेकिन उस गोली को ही नष्ट कर दिया हम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? इसका कोई मतलब है क्या? नहीं। अब हमारे पास क्या बचा है, केवल और केवल एंटीसेंस आरएनए। क्या बचा है? एंटीसेंस आरएनए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से रक्षा होता है, कोई भी यूकेरियोटिक सेल हो तो वायरस जब अटैक करता है तो इस तरीके से रक्षा होता है, क्लियर है? अब इसका उपयोग हम लोग इस तंबाकू के पौधे के जड़ में होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए कैसे किए, इसका उपयोग कैसे किए, ध्यान से समझना, ठीक है? मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के ऊपर फोकस करना। ये जो डायग्राम है ये है तुम्हारा किसके लिए है, ये निमेटोड का है। किसका है? ये निमेटोड का। निमेटोड का नाम क्या बोला हूँ मैं, मेलिडो गायनी इन कॉग नीटा। मेलिडो गायनी इन कॉग नीटा, यहाँ तक क्लियर है? किसका डायग्राम बना दिया, मेलिडो गायनी इन कॉग नीटा। और मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, ये है तुम्हारा तंबाकू का पौधा, उसका कोशिका है, ठीक है? ये है हमारा क्या, तंबाकू का पौधा। क्या है हमारा, तंबाकू का पौधा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ये निमेटोड है जो इस तंबाकू के पौधे को क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। दोनों को एक साथ बना करके समझा रहा हूँ ना, यह एमपी है, बहुत ज़्यादा एमपी है। एक बार समझना, एक बार में ही समझ आ जाएगा। देखो ये जो निमेटोड रहता है, ध्यान समझने का कोशिश करना, ये जो हमारा निमेटोड रहता है, ये जो निमेटोड है इसके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। खुद का क्या है, डीएनए। यहाँ तक क्लियर? इस डीएनए से ये क्या बनाता होगा, आरएनए बनाता होगा। क्या बनाता होगा, आरएनए। दो स्ट्रैंड में से कोई और कोई एक स्ट्रैंड भाग लेता है, हमको पता है। तो दो स्ट्रैंड से कोई एक ठोक बना होगा, उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। फिर इसी से क्या बना होगा, प्रोटीन बना होगा। क्या बना होगा, प्रोटीन। और इस प्रोटीन के कारण ही ये, मान लो ये निमेटोड का मुख है, मुंह है, ठीक है ना, समझ लेना, कोशिका ये उसका मुंह है। तो इस प्रोटीन के बदौलत ही इस प्लांट को वो खा पाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब तुम कोई चीज़ को खा पा रहे हो, तुम्हारा मुंह चल रहा है, तो मुंह को चलाने के लिए जितना भी मसल्स काम कर रहा होगा उसके लिए भी तो कोई जीन होगा ना, तो ऐसा ही समझो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसका डीएनए है, इस डीएनए का कोई एक खंड क्या बनाता है, आरएनए। तुमको पता होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पास क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। फिर यहाँ क्या पास हुआ है, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बना, जो आरएनए बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंस आरएनए। क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए। और ये सेंस आरएनए क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन के बदौलत ही, इस प्रोटीन के बदौलत ही इस प्लांट को वो खाता है, क्लियर है? और इस प्लांट को खा रहे हैं, इस कारण हमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना, इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, उस डीएनए को लेंगे हम लोग। इसका जो डीएनए है, ध्यान समझना, इसका जो डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को लेंगे और इस डीएनए का क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यहाँ तक क्लियर है? डीएनए को निकाल लेंगे हम लोग मेलिडो गायनी इनकॉग्निटा से, क्लियर है? पहले तो नॉर्मल इसका क्रियाविधि जान डाले हो ना, क्या होता है, इसके पास डीएनए होता है, डीएनए क्या बनाता है, आरएनए। ये जो आरएनए रहता है उस आरएनए को क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए। क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए। और वो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसके कारण वो भोजन को इनगल्फ कर पाता है, निगल पाता है। ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसके कारण ही इसको क्या कर पाता है, वो निगल पाता है। ऐसा समझ आया? अब मैं क्या करता हूँ, इसके डीएनए को निकाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू। इसके डीएनए को हम लोग क्या किए होंगे, निकाले हैं, आइसोलेट किए। आइसोलेट करने के बाद इस डीएनए क्या बना दिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बना दिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, तंबाकू का पौधा एक कैसा सेल है, यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल कैसा सेल है, यूकेरियोटिक। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को प्रवेश कराएंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को जैसे ही प्रवेश कराते हैं, बच्चे बच्चे को पता है कौन काम करेगा यहाँ पास, रिस का प्रोटीन। कौन काम करेगा, रिस का प्रोटीन। कौन काम करेगा, रिस का प्रोटीन। अब ध्यान दो, दो ठोक है तो एक तो सेंस स्ट्रैंड होगा,
और एक कैसा होगा एंटीसेंस, कौन होगा एंटीसेंस। तो ध्यान देना इस डबल स्टैंडर्ड में, इस डबल स्टैंडर्ड में ध्यान समझना ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, ये क्या है आरएनए, तो इसका एक तो है क्या तुम्हारा सेंस है और एक क्या है एंटीसेंस है। तो ये जो सेंस वाला है इसमें कौन आकर के जुड़ता है, बताया था कुछ देर पहले रेस का, और इसको क्या कर देगा टुकड़े टुकड़े में काट देगा, क्या कर देगा काट देगा, समझ आया कि नहीं, टुकड़े टुकड़े में क्या कर देगा काट देगा। तो ध्यान समझना भाई, टुकड़े टुकड़े में काट दिया, ये तो टुकड़े टुकड़े में कट गया। अब यहाँ पास हमारे पास केवल और केवल क्या बचा है एंटीसेंस आरएनए, क्या बचा है एंटीसेंस आरएनए, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्या बचा हमारे पास एंटीसेंस आरएनए, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, अब मिलेडो का इनकॉग्निटा आएगा, इसको खाएगा, जैसे इसको खाएगा ये एंटीसेंस आरएनए इसके बॉडी में जाएगा, आ रहा है कि नहीं समझ, ये अब आएगा, ये हम लोग मॉडिफिकेशन कर लिए इस प्लांट में, हम लोग क्या किए डीएनए को निकाले, डीएनए को निकाल करके उससे क्या बना दिए आरएनए, क्या बनाए आरएनए, प्लाज्मिड के साथ जुड़े, कौन सा प्लाज्मिड लिए होंगे फिर से बताओ, प्लांट सेल है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड के मदद से एंट्री कराए होंगे, सेंस और एंटीसेंस जो था रिस्क का प्रोटीन रहा होगा, सेंस को क्या कर दिया कट कर दिया, सेंस को क्या कर दिया कट कट कर दिया, बचा क्या केवल हमारे पास एंटीसेंस, क्या बचा एंटीसेंस, मतलब हमारा जो तंबाकू का पौधा अभी तैयार हुआ है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, उसमें केवल और केवल कैसा वाला आरएनए है एंटीसेंस आरएनए है, कैसा है एंटीसेंस। अब ये आएगा अटैक करने के लिए, हम तो मॉडिफिकेशन कर डाले तंबाकू के पौधे में, ये आएगा और इसको खाएगा, खाएगा तो इसके बॉडी के अंदर क्या जाएगा एंटीसेंस, जैसे ही एंटीसेंस इसके अंदर में गया, जैसे ही एंटीसेंस इसके अंदर में गया, इसके पास पहले से क्या उपस्थित है सेंस, एंटीसेंस और सेंस है, दोनों एक साथ जुड़कर डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे, क्योंकि ये भी कैसा सेल है यूकेरियोटिक, इसके अंदर यहाँ पास का सेंस क्या हो गया कट गया, और सेंस जैसे ही कटेगा इसके में प्रोटीन बनेगा क्या नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो एक घाव बस खाएगा, दूसरी बार इसका प्रोटीन ही बनेगा क्या नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा, निगल पाएगा क्या नहीं, और ये तड़प तड़प करके मर जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं, क्लियर है, ध्यान समझने का कोशिश करना, ध्यान दो क्या बोला था मैं, जंतु और पादप में जो निमेटोड होता है वो रोग उत्पन्न करता है, पादप में उदाहरण ले रहे हैं सोलेनेसी कुल के तंबाकू पौधे का, तंबाकू पौधे के जड़ में, ठीक है ना, तंबाकू पौधे के जड़ में इन्फेक्शन कौन करता है मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है, ये इन्फेक्शन करता है जिसके कारण तंबाकू के पौधे का उत्पादन क्षमता क्या हो रहा है घट रहा है। तो हमारा ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना था, हम लोगों को आरएनए अंतरक्षेपण द्वारा कर सकते हैं, बोला किसके द्वारा कर सकते हैं आरएनए अंतरक्षेपण द्वारा। आरएनए अंतरक्षेपण में क्या होता है ध्यान समझना, नॉर्मली क्या होता है यदि कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है एंट्री करता है तो अपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को भेजता है, तो हमारे शरीर में उससे रक्षा के लिए कौन सा प्रोटीन रहता है रिस्क का प्रोटीन रहता है, कौन सा प्रोटीन रहता है तो रिस्क का प्रोटीन सेंस आरएनए को क्या कर देता है कट कर देता है, और बचता क्या है केवल एंटीसेंस आरएनए। क्योंकि जैसे ही सेंस आरएनए को कट कर दिया ये अटैक किया उसका कोई मतलब है क्या नहीं, मतलब इसका जो आरएनए था जो कि प्रोटीन का निर्माण करता उस आरएनए को क्या कर दिया गया साइलेंस कर दिया गया, क्या कर दिया गया साइलेंस कर दिया गया, उसके कार्य में इंटरफेयर कर दिया गया, इसी को ही हम लोग बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग, क्या बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग, या इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, उसको काम करने दिया जा रहा है क्या सेंस आरएनए को नहीं, और यदि सेंस आरएनए काम नहीं कर रहे मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा, समझ आ रहे, मतलब इसके अटैक को हम लोग क्या कर दिए कोई मतलब है क्या उसके अटैक का नहीं, समझ आया, ये सिद्धांत था। अब इस सिद्धांत का उपयोग हम लोग कैसे किए, इस सिद्धांत का हम लोग उपयोग कैसे किए, हम लोग क्या किए निमेटोड लिए, ठीक है निमेटोड लिया, और एक साइड किसको ले लिया मैं प्लांट को, निमेटोड में नॉर्मली क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है यूकेरियोटिक सेल है, डबल स्टैंडर्ड क्या रहता है डीएनए रहता है, डीएनए क्या बनता होगा आरएनए, आरएनए क्या बनता है प्रोटीन, और उस प्रोटीन के कारण ही वो खाना खा पाता है, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए ध्यान से समझना, इसके डीएनए को अलग किए, इसके डीएनए को क्या किए अलग किए, और अलग करके किसके साथ जोड़ दिए प्लाज्मिड के साथ, और किसका निर्माण कर दिए आरएनए का, किसका निर्माण कर दिए आरएनए का, ऐसे ही सीधा याद रख लेना डीएनए को अलग किए, डीएनए से क्या बना दिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए था उसको जोड़ दिए किसके साथ टीआई प्लाज्मिड के साथ, और एंट्री करा दिए किसके शरीर के अंदर में हमारे तंबाकू के पौधे में,
किसमें एंट्री करा दिए, तंबाकू के पौधे में। यहाँ तक क्लियर है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टीआई प्लाज्मिड के साथ मैं क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्लियर है? और तंबाकू पौधे में एंट्री करा, तंबाकू का पौधा कैसा होता है, यूकेरियाटिक। तो डबल स्ट्रैंडेड के एट ठुक स्ट्रैंड को क्या कर देगा, कट कर देगा और एट ठुक को रखेगा, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पास केवल कौन बचा, एंटीसेंस आरएनए, कौन बचा, एंटीसेंस आरएनए। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला प्लांट क्या हो गया है, तैयार। अब मेलिडोगनी इनकॉग्निटा आएगा जब भी, तो इसको जैसे ही खाएगा तो इसके में के पास क्या है, एंटीसेंस, इसके पास कैसा होता है, सेंस। तो सेंस और ध्यान देना, तो जैसे ही ये खाएगा इसके बॉडी के अंदर कौन चला जाएगा, एंटीसेंस, कौन चला जाएगा, एंटीसेंस, और दोनों फिर से जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा कौन सा प्रोटीन आएगा, यहाँ भी रिस्क, कौन सा प्रोटीन आएगा, रिस्क, ठीक है ना? ये वाला जैसे कि एंटीसेंस वाला आकर के यहाँ जैसे जुड़ेगा तो रिस्क का प्रोटीन आएगा, इसके सेंस को क्या कर देगा, पूरी तरीके से कट कर देगा। और यदि सेंस कट हुआ तो प्रोटीन बन पाएगा क्या, नहीं, भोजन को निगल पाएगा क्या, नहीं, और वो भूख में तड़प तड़प करके मर जाएगा। यानी यहाँ पास आरएनए के कार्य को तुम लोग क्या किए हो, इंटरफेयर किए हो, क्या किए हो, इंटरफेयर किए हो, किसके, सेंस आरएनए के। इसी कारण इसको बोला जाता है क्या, आरएनए इंटरफेरेंस, क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो ये टॉपिक पूरी तरीके से कम्प्लीट हुआ, समझ आ गया नहीं सबको, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलो भाई आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसका डायग्राम तुम्हारे ये देखो यहाँ पास भी दिया है भाई, ठीक है, मैं वैसे बता डाला हूँ फिर भी तुम लोग देख लो भाई, ये देखो ये हमारा निमेटोड है, इस निमेटोड के पास क्या है आपका, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनता है हमारा, एमआरएनए बनता है, क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है ना। इस एमआरएनए को हम लोग बोलते हैं सेंस एमआरएनए, क्या बोलते हैं, सेंस एमआरएनए, यहाँ तक क्लियर है। और इसी से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, और इस प्रोटीन के बदौलत ही फूड इंटर हो पाता है इसके शरीर में, क्लियर है कि नहीं, फूड इंटर हो पाता है इसके शरीर में, यहाँ तक क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट पहले बताया तुम लोगों को, ये दे रही, ये देख ये वाला। अब उसके बाद मैं क्या बोला हूँ, हम लोग प्लांट ले, इसके हम लोग इस क्या किए, डीएनए को निकाले, डीएनए को निकाल करके टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़े, और किसका निर्माण किए, आरएनए का, किसका निर्माण किए, आरएनए का। आरएनए में एक सेंस स्ट्रैंड था और एक एंटीसेंस, सेंस वाला रिस्क प्रोटीन के कारण क्या हो गया, कट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, एंटीसेंस, क्या बचा, एंटीसेंस, क्या बचा है, एंटीसेंस। अब जैसे ये खाने के लिए आएगा इसके पास खुद का क्या है, सेंस, इधर का कौन पहुंच जाएगा, एंटीसेंस, दोनों जुड़ गया, दोनों जुड़ेगा, रिस्क प्रोटीन काम कर देगा, इसके सेंस को क्या कर देगा, उड़ा देगा। तो ये भोजन को एंट्री कर पाएगा कि अपने बॉडी में, नहीं, और भूख में क्या हो जाएगा, तड़प करके मर जाएगा। समझ आया कि नहीं, क्लियर है, पूरा थ्योरी एकदम मस्त समझ आएगा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। एक और देखते हैं आरएनए, देखो मैं तुम लोगों को बताया था पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने के लिए, मैं तो इन्फेक्शन वाला एक ठुक बता दिया कि किस तरीका से, ध्यान समझना, किस तरीका से ये जो तुम्हारा निमेटोड इन्फेक्शन कर रहा था तो उसको हम लोग दूर करने के लिए किसका निर्माण कर दिए, सॉरी, आरएनए इंटरफेरेंस वाला क्या तैयार कर दिए, तंबाकू का पौधा। वैसे ही समझो कि ये क्या है, टमाटर है, ध्यान देना भाई, ये वहाँ तेरे दिल बन रहे, ठीक है, टमाटर बनाना है, टमाटर, ये बन गया टमाटर, ठीक है ना, ले रहे भाई, ठीक है ये, ठीक, ये बन गया क्या, टमाटर। अब ये सेब बन गया, हाँ टमाटर है ये, क्या है, टमाटर है, ठीक है। अब ध्यान समझना, असल में क्या होता है, ये जो हमारा टमाटर रहता है, ध्यान समझना, टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा चार दिन, तीन दिन, कितने दिन रुकेगा, चार से तीन दिन, उसके बाद गलने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, गलने लग जाता है। और गलने का कारण होता है, ध्यान समझना, गलने का कारण होता है एक एंजाइम, और इस एंजाइम का क्या नाम है, ध्यान देना, एंजाइम का नाम है क्या, पॉली गैलेक्टो यूरिनेज, पॉली गैलेक्टो यूरिनेज। ये क्या करता है, टमाटर को क्या करता है, गलाता है, टमाटर को क्या करता है, गलाता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, टमाटर को क्या करता है, गलाता है। तो हम लोग क्या किए, ध्यान से समझना, इस एंजाइम, ये जो एंजाइम है वो क्या है, एक प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है वो किससे बना होगा, एमआरएनए से, एमआरएनए किससे बना होगा, डीएनए से, डीएनए के विशिष्ट खंड को ही क्या बोलते हैं, जीन, क्या बोलते हैं, जीन। तो हम लोग क्या किए, ध्यान से समझना, इस एमआरएनए के जीन को, इस एमआरएनए के जीन को काम करने से क्या कर दिए, रोक दिए, साइलेंस कर दिए, ठीक है ना, क्या कर दिए, साइलेंस, तू काम मत कर, समझ आ रहा है कि नहीं, क्या कर दिए, साइलेंस, मतलब इसको काम करने दिए क्या, नहीं,
जैसे ही साइलेंस कर दिए तो पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज का निर्माण हो पाएगा क्या? नहीं। तो टमाटर बहुत दिन तक रुका रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? टमाटर क्या रहेगा? बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। गलेगा क्या? नहीं। बस एंजाइम का याद रखना, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज, ध्यान समझना, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज नामक एंजाइम टमाटर को गलाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज को बनाने वाले mRNA को क्या कर दिए, साइलेंस कर दिए, मतलब उसको और ट्रांसलेशन करने नहीं दिए। ट्रांसलेशन करने नहीं देंगे तो इसका निर्माण हो पाएगा क्या? नहीं। और यदि इसका निर्माण नहीं हो पाएगा, टमाटर जल्दी गलेगा क्या? नहीं। समझ आया कि नहीं? तो ये भी उदाहरण है आपका RNA इंटरफेरेंस का। किसका उदाहरण है? RNA इंटरफेरेंस का। RNA को काम करने दिया गया क्या? नहीं। समझ आया? क्लियर है? इसे कोई दिक्कत नहीं? DNA से mRNA बनता जी, यहीं पास रोक दिए, काम करने दिए क्या? नहीं। साइलेंस कर दिए तो ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, ये गलेगा क्या, सड़ेगा क्या? नहीं। समझ आया? तो पोस्ट हार्वेस्टर लॉस को इस तरीके से रोका जाता है कि मान लो मंडी में तुम्हारा टमाटर जा करके फंस गया, ठीक है, मंडी पहुंच ही नहीं पाया, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के लिए, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। नेक्स्ट होता है आपका हीरोइन के उत्पादन के लिए ब्रेसिका नेपस सेम का पौधा, ब्रेसिका नेपस, ठीक है ना। इसके अंदर क्या किए, हीरोडीन का संश्लेषण कर रहे हैं, हीरोडीन का संश्लेषण जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ध्यान दो, जैसे कि तुम्हारे शरीर के ऊपर जोंक चढ़ा तो जोंक क्या करता है, खून को पूरी तरीके से सक कर लेता है, चूस लेता है पूरी तरीके से। अब जो ध्यान दो, ठीक है। तो जो तुम्हारा ब्लड है, ब्लड का कैपेसिटी क्या है, थक्का जमने का, लेकिन उसके बॉडी में जाकर थक्का जमता है क्या? नहीं। क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसके पास क्या रहता है, हीरोडीन रहता है। अब ये जो हीरोडीन रहता है, इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिन निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो इस हीरोडीन का प्राप्ति के लिए हम लोग बहुत सारे जोंक को मारते थे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम लोग ऐसे करते हैं कि जोंक के शरीर से हीरोडीन बनाने वाले जीन को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और उसको एंट्री करा देते हैं किसमें, सेम के पौधे में। क्लियर है नहीं? अब सेम का जो बीज था, सेम के बीज से क्या मिलने लग गया, हीरोडीन। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीका से आपका ध्यान देना ना, ब्रेसिका नेपस का उपयोग किया गया था किसके लिए, हीरोडीन के लिए। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? अच्छा, बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है, बायोपेस्टिसाइड का, जैसे बीटी कॉटन बताया ना मैं तुम लोग को, वो बायोपेस्टिसाइड है। वहाँ पास एक जीव का ही तो तुम लोग उपयोग कर रहे हो ना, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का, कि पेस्टिसाइड को किस तरीके से नष्ट करें। समझ आया कि नहीं? पेस्टिसाइड बोल रहा हूँ, क्या पीड़कों को किस तरीके से नष्ट करें। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का आपका क्रॉप्स में कैसे उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, हम लोग उसमें पढ़ेंगे औषधि उत्पादन में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।